हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल। आज आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे कि एक्सेल में ट्रिम फंक्शन का यूज कैसे करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है एक्सेल में, क्योंकि जब हम किसी कंपनी में वर्क करते हैं तो हमें कई बार ट्रिम फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। जैसे मेरे पास ये कुछ डाटा है, एम्प्लॉय आईडी की, नेम का, ब्रांच कोड का। अब कई बार ऐसा होता है कि डाटा हमारा सेम रहता है, फिर भी हमारा वी लुकअप नहीं लगता है एक्सेल में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वी लुकअप किसी भी लंबे डाटा को की वैल्यू को लेके आने के लिए, यदि हमें टाइप नहीं करने की आवश्यकता है तो इसके लिए जैसे हमारे पास ये डाटा है, अब देखेंगे तो एम्प्लॉय आईडी दोनों में सेम दिखाई दे रही है। अगर मैं इसे काउंट भी कर लूँ तो आप ये दोनों डाटा को देखेंगे। मैं इसे जूम कर दे रहा हूँ, मैं ये थोड़ा बड़ा हो गया। अब देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, दोनों में ही 15 15 अल्फ़ाबेटिकल अल्फ़ाबेट इसमें है, अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक है इसमें। तो आइए अब हम लगाते हैं वी लुकअप। तो हमें एम्प्लॉय आईडी के बेस पे हमें नाम और ब्रांच कोड चाहिए। जैसा हम एज यूजल वी लुकअप लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे। यहाँ पे वी लुकअप लुकअप वैल्यू हमारी ये, और टेबल हमारा एरे रहेगा यहाँ से लेके पूरा ही। ये हमारे पास पहले के स्विच के डाटा थे, और हमने जब अपने सिस्टम से जनरेट किया तो मेरे पास ये एम्प्लॉय आईडी निकल के सामने आई थी, जिसके बेस पे हमें ये नेम और ब्रांच कोड चाहिए। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमें नेम चाहिए, नेम हमारा दूसरे स्थान पे कॉलम में, हम यहाँ पे सेकंड करेंगे और 0 प्रेस करेंगे गेट मैच के लिए, और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देते हैं। तो देख रहे हैं हमारा इसमें नाम नेम नहीं उठाया यहाँ पे, तो इसमें दिक्कत क्या हो सकती है, जबकि मैंने अभी काउंट किया था आपके सामने ही, तो दोनों में ही 15 15 अल्फ़ाबेटिकल इसमें थे। तो ऐसा क्यों हुआ कि हमारा व्हील को लगाने के बाद भी डाटा यहाँ से नहीं लिया यहाँ पे, जबकि आप देखेंगे तो दोनों में ही डाटा हमारे बराबर ही हैं। तो फ्रेंड, इसमें कहीं ना कहीं एरर है, तो आइए हम जानते हैं कि वो एरर क्या है और इसे कैसे ठीक करेंगे हम इसको। डाटा ये तो आपके सामने छोटा डाटा बहुत ही शॉर्ट है, लेकिन जब बड़े डाटा होंगे तो आपको एक नज़र में समझ में नहीं आएगा कि इसमें एरर क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें जब भी हम वी लुकअप लगाते हैं, अगर हमारा वी लुकअप नहीं लगता है तो उसमें कई सारे एरर हो सकते हैं। तो उसमें से पहला एरर जो हो सकता है, आप इसे चेक करें कि दोनों में, इस सामने अभी चेक किया था, दोनों में 15 15 अल्फ़ाबेटिकल थे तो फिर भी हमारा नहीं लगा वी लुकअप। तो इसको हम एक लेन, हमारा फंक्शन है LEN, लेन लेन के थ्रू हम देखेंगे। इसे लेन लगाया मैंने, इसमें चेक किया B3 में, तो हमने पाया कि यहाँ पे 15 करेक्टर हैं। और जब हमने इसी में लेंथ चेक किया K3 में, इसके बेस पे हमें सारी डिटेल चाहिए, तो हम पाए यहाँ पे 16 हमारा यहाँ पे करेक्टर है। वहाँ 15 था, यहाँ 16 है। तो फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली बात है कि जब डाटा हमारा दिखने में सारे ही बराबर दिखाई दे रहे हैं, हमने काउंट भी किया था 15 15 है, लेकिन फिर भी हमारा यहाँ पे ये 16 है ये। तो इसी चीज़ को ठीक करना है। तो इसमें ये 16 हुआ कैसे, क्योंकि हमारा इस कॉलम में एक स्पेस भी है जो कि इस B3 में नहीं है। ये आपको एक शॉर्ट नज़र में दिखाई नहीं देगा, जब डाटा लंबे बड़े हो जाते हैं तो ये। तो इसके लिए हम लगाएंगे ट्रिम फंक्शन, और इसे हम ट्रिम कर देंगे, और इसको हम फिर यहाँ से
ड्रैग कर लेंगे और इसे हम वैल्यू में पेस्ट कर देंगे। तो अब हम चेक करते हैं इस ट्रिम के आधार पे, इस ट्रिम की वैल्यू को हम एम्प्लॉय आईडी में पेस्ट कर देंगे और फिर हम दोबारा लगाते हैं वी लुकअप। तो हम लगाएंगे वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये, टेबल अरे हमारा ये सारा, कॉलम इंडेक्स नंबर जो हमारा रहेगा, हमें नेम चाहिए तो नेम हमारा सेकेंड कॉलम पे है ये, तो सेकेंड दबाएंगे और ये जीरो प्रेस करेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए और ब्रैकेट क्लोज करके हम दबाते हैं एंटर। तो फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ पे ये इन्होंने टाटा को पिकअप कर लिया और इसे ड्रैग करते हैं तो ये हमारा एम्प्लॉय आईडी के नेम के बेस पे हमारा ये नाम जो है, नेम जो है यहाँ सामने निकल के आ गया। उसी तरीके से हम ब्रांच कोड भी चेक कर लेते हैं, लुकअप वैल्यू ये, टेबल अपे अरे हमारा ये सारा और ब्रांच कोड के 3 प्रेस करेंगे कॉलम के लिए, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ये एंटर। तो ये हमारा ब्रांच कोड भी निकल के आ गया। तो फ्रेंड्स हमने ये देखा कि किस तरीके से हमारा सीट में एरर था और हमने कैसे इसको फाइंड आउट करके इसको रेक्टिफाई कर दिया ट्रिम फंक्शन के थ्रू। फ्रेंड्स ऐसा होता है जब हम कंपनी में वर्क करते हैं तो हमारे पास जो सीट होती है और जैसे सीट नेम का हो सकता है, एम्प्लॉय आईडी का हो सकता है, किसी चीज़ का हो सकता है, तो जब सिस्टम में जाता है और सिस्टम से जब हम उसको लेके आते हैं वापस और जब हम लगाते हैं वी लुकअप तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें स्पेस होता है और हमें एक नज़र में दिखाई नहीं देता है। तो कई बार हमें इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम ट्रिम फंक्शन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रिम फंक्शन से हमारा जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो हट जाता है और हमारा एक्चुअल फिगर आ जाती है जिसके बेस पे हम वी लुकअप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है उन एम्प्लॉयज के लिए जो कंपनी में वर्क करते हैं, जो कि कई बार वी लुकअप लगाने में दिक्कत आती है, तो इसके थ्रू हम वी लुकअप आसानी से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।